सो आंटी पांटी का कैसे हैं आप लोग। और आज दिन की शुरुआत करो, मैं कहां से भाई, दुकान से। और यहां पे आया सुनील और यहां पे आया वंशु। और यार मेरे व्लॉग में ना आपको टैलेंट भरे लोग जरूर मिलेंगे, वो वाले नहीं मिलेंगे जो बड़ी स्ट्रगल की है, जिन्होंने बड़ी ज्यादा स्ट्रगल की है और फिर बाद में वो छोटे बड़े छपड़ी हो गए। चलो कोई चक्कर नहीं है, स्ट्रगल होती है अपनी अपनी, सारी करते हैं दुनिया ऐ, मतलब वो ऐसे कुछ ऐसे पुरानी जिहड़े जुने इन्ना लगता कि लक इज इक्वल टू स्ट्रगल, लक इज नॉट इज इक्वल टू स्ट्रगल, लक इज लक, स्ट्रगल इज स्ट्रगल। सो मेरे व्लॉग में आपको स्ट्रगल वाले बंदे मिलेंगे जो पैंच जिन्हें दिहाड़ी लगा रहे हैं, फिर पैंच मतलब जो जॉब कर रहे हैं और जो अर्निंग वगैरह कर रहे हैं वहां से, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने ड्रीम्स पे। सो गाइस, ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं मेरे ब्लॉग में जो भैन जी ने रोज पीरवार पीर बाबे जाते हैं, मांगते हैं पर थोड़े पैसे होते हैं तो उसका गाना बनवाते हैं। टैलेंट है, मांगना भी टैलेंट है, कोई पैन जो तू कह सकता है रे बाबा रे रे, है ना, ये उतने टैलेंट होता है। रैप स्टाइल में मांगना वो अलग टैलेंट है। तो सो गाइस, अभी मैं तो आज हम रात को ना बड़ी लेट सोए थे, 3 बजे एक ही अभी सोया हुआ है, 11 बज रहे हैं। ओके टाटा, ओके एक ही ने नो मारू गए यार रात में, ओके। सो आंटी पांटी गाइस, अभी हम खाने आए कुलचा और ये भैया ने बुलाया कुलचा। आए हाय हाय हाय, भैया ये पैसे पूसे काट ही देता है इसको, भैन दिया छुरी मारना था धीरे इसके मत। ये मैं नहीं करना भाई, भैया एक बीच में से आधा करना है, एक छोले वाला छोले वाला काट रहा बीच में, उसमें टमाटर ज्यादा डालना, ठीक है भैया आपको काटना आता है, भैया ने बहुत काटा है। अब्बा ये छोटा है, ये छोटा मेरा पैर लंबा मेरा, अरे भाई ने काटा, लड़ाई लग जाएगी। बठिंडा से बाइक अपनी डिलीवर करवाई थी ट्रेन के थ्रू, तो चाबी वो भूल गया वहीं पे अपने बठिंडा में ही, और बाइक आ चुकी है उसकी बिना चाबी के, तो बाइक को लगा हुआ है लॉक, तो उसका भाई और मैं बाइक को धक्का लगा रहे थे कि रेलवे स्टेशन से मैंने कहा मेरी दुकान तक छोड़ दो, तो कल चाबी बनवा लेना दूसरी, तो वो ले आना। तो अभी मैंने अपनी बाइक लगाई है दुकान पे, तो बाइक को मैं यहाँ तक लेके आया कोडा लगा के, तो अभी जा रहे हैं बाइक को ऊपर करने, ठीक है तो चलो ओके। सो गाइस, ये थी वो बाइक जिसको हमने लगाया धक्का, वो भी पक्का पक्का। नितिन भैया हेलो करो, हेलो। सो गाइस, ये है नितिन भैया, तो इनके भाई की बाइक है जो मेरा दोस्त है बचपन का, भैन दिए चंगा धक्का लवा रहा है हमसे, कोई चक्कर नहीं बाकी यार, लेकिन बुलट बुलट है नहीं, है नहीं, लेकिन जावा जावा भी है नहीं, बंदे जावा ही। चलो सो अंडे मंडे गए, कैसे हैं आप लोग। और मैं जैसे सुता उठा क्योंकि मेरे को लगी थी नींदर बड़ी ज्यादा, और गाइस यहाँ पे बैठने का मजा ही बखरा है, इधर शीशे के इस पार बैठता हूँ ना, इधर से निकालता हूँ गप्पे ओपनली, बाहर सुनाई नहीं देते हैं, वो मजा ही बकरा है। मैं सर्टिफिकेशन भी यही होती कि मैं गफे भी कट उड़े, और ये बाहर सोचे भी नहीं ओपनली गफे कटे तंदी मार। हाँ क्या हाल है, देखो गड्डिया देखो, हाँ ये बस
ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖੜੋਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬਾ ਖੜੋਤੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਉੱਕੜੀ ਲੈਣੀ, ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਿਫਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੈਣੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਵੀਰ ਆਪਣਾ, ਵੀਰ ਕਿਆ ਲੈ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਆਪਣਾ। ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਜਾਮਾ, ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਨੇ ਪਜਾਮਾ ਲਿਆ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਚੋ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਡੇ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਿ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੰਸ਼ੂ, ਵੰਸ਼ੂ ਕੰਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਰੀਲ, ਅਤੇ ਰੀਲ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਤੋਹੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਕਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਓਕੇ।